फ्रिज में कौन सी गैस पाई जाती है? आइए कुछ क्यूज तैयार करके लाए हैं तो कुछ। हाँ, और यहाँ पर एक क्यूज डेली एक क्वेश्चन बनता है, कितने क्वेश्चन बनता है? दो बच्चे तैयार करके, एक बच्चे दो, एक बच्चे दो तैयार करके आते हैं। मौका मिलना चाहिए बारी बारी से झिझक मिटाने के लिए, मन पचाया जाता है। अच्छा अच्छा अच्छा, चलिए ठीक है, आपका देखते हैं क्वेश्चन क्या है आपका। आप इधर आ जाइए सर, चलिए आपके क्वेश्चन पूछिए। बिहार की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? सही है। बिहार की प्रथम महिला मुख्यमंत्री अनपढ़ कौन थी? सही है, श्रीमती रावड़ी देवी। मानव वन कविता के लेखक कौन है? सही है। चलिए और आगे आगे मौका दीजिए। यहाँ पर दो क्वेश्चन, दो से तीन क्वेश्चन पूछा जाता है जीके। क्या था क्वेश्चन आपका? सबसे खतरनाक मछली। सांप। ठीक है, मछलियों का राजा क्षेत्रफल के दृष्टि से सबसे बड़ा राज। ठीक है, जनसंख्या के दृष्टि से कौन है? बोलिए, ठीक है तो कौन है? राजस्थान। जनसंख्या के दृष्टि से सबसे बड़ा राज उत्तर प्रदेश। चलिए और आगे। दो क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जाता है। यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा गया था कि बिहार की कौन सा ऐसी जो महिला जो है जो मुख्यमंत्री अनपढ़ थी, तो इन्होंने बताई थी। क्या सही जवाब होगा? रावड़ी देवी। ऐसे करके दो दो क्वेश्चन पूछा जाता है डेली, करीब 10 से 15 क्वेश्चन। अगला आपका क्या क्वेश्चन है? कोशिका का खोज किसने किया था? रॉबर्ट हुक। कब किया था? 1685 में। ठीक है, बल का इसका बल का एसआई मात्रक? न्यूटन। सही है, न्यूटन। चलिए और आगे मौका दीजिए। चलिए आगे और कौन है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ था? 14 अप्रैल। सही आंसर 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में। संविधान के निर्माता कौन है? सही है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ऐसा कौन सा सागर है जिसमें मनुष्य डूब नहीं सकता? सही है, मृत सागर। प्रतिरोध का ऐसे ही मात्रक? सही, ओम। और है कोई नेक्स्ट? यहाँ दीजिए। फ्रिज में कौन सी गैस पाई जाती है? फ्रिज में कौन सी गैस पाई जाती है? अमोनिया। अमोनियम। आप देखिए यहाँ पर दोस्तों, एक चीज मैं बताऊँ, यहाँ पर एक क्वेश्चन किया गया था जो बच्चे लोग ने एक ही बताए हैं इतने सारे में, फ्रिज में कौन सा गैस पाया जाता है? आपने जवाब शायद दिया था, क्या दिए थे? अमोनियम। यहाँ पर आप लोग ने सुन लिए। तो चलिए अगला क्वेश्चन क्या है आपका? सूर्य के प्रकाश पृथ्वी में आने पर कितना समय लगता है? 18 से 20 सेकेंड। 8 मिनट 20 सेकेंड। सही जवाब क्या होगा? 8 मिनट 20 सेकेंड। 20 सेकेंड। नेक्स्ट और कोई क्वेश्चन? ओजोन गैस का गंध कैसा होता है? भारत की प्रथम महिला आईपीएस कौन थी? किरण बेदी। सही है। और है कोई? एक और है, मतलब लगभग कितना क्वेश्चन पूछा जाता है सर? 25 से 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अच्छा, 25 से 30 क्वेश्चन यानी डेली। हर बच्चों को मौका दिया जाता है ताकि झिझक मिटे। बहुत व्यक्ति जो है बच्चे पूछना चाहते हैं और झिझक के कारण नहीं बोल पाते हैं, तो उनको जो है प्रोत्साहित करके मंच की ओर लाया जाता है ताकि दो दो करते करते आगे जो है मंच पर बोलने की कला उनकी विकसित हो जाए। भूत काल, भविष्य काल, वर्तमान काल। अच्छा चलिए, आप लोग से क्वेश्चन पूछा गया है काल कितने होते हैं, कौन कौन होते हैं? अभी कौन सा काल चल रहा है? फिर आगे कोई और प्रोसेस नहीं, क्लास की ओर। अच्छा, क्लास की ओर है, तो यहाँ पर देख सकते हैं। हाँ बोलिए सर। आप अब जो है प्रेयर वाला टाइम समाप्त होता है, अब घंटी जो 7:15 में पहली घंटी है उसमें आप लोग क्रमानुसार एकदम लाइन से पंक्तिबद्ध होकर क्लास की ओर जाएं।
ये देखिए ये सिस्टम है यहाँ पर, अगर गेट से आते हैं तो वहाँ पर प्रणाम किया जाता है मेन गेट पर, और उसके बाद यहाँ से भी ये सारे क्लास में जाते हैं, तो यहाँ आप देख सकते हैं कि प्रणाम करते हुए जाते हैं अपने विद्यालय को, अपने मंदिर को। यहाँ पर देख सकते हैं जो आपको एक सिस्टम लगा हुआ है, यानी हर चीज़ में सिस्टम लगा हुआ है। तो दोस्तों हम फिर आप लोग को इसी तरह का वीडियो आप लोग को दिखाते रहेंगे, और यह जो वीडियो था अपने बिहार औरंगाबाद जिला के ललारो घटारो हेमन बिघा का, यह एक विद्यालय है जो सरकारी स्कूल है। बस हम आगे मिलते हैं एक अच्छे से वीडियो के साथ। जय हिंद जय भारत। हे गाइस, मेरे पापा को चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें।